करते हैं। आप चले तो जाए वहां पर अपने बक्के बाद गए, आपने साइन नहीं किया, आप बाद में कहते रहे नहीं मैं तो आया था, आए तो बोला सबूत लाओ, काय साइन आपके हुए थे, काय आपके फिंगरप्रिंट्स का है यहाँ पर, आप तो आए बाद में, अगर आए हैं तो गुजरने के बाद आए, तो फर्ज तो अदा सही, आपने अपनी ड्यूटी तो पूरी कर ली है, अब उसका मुआवजे का हक नहीं है आपका, उसका मुआवजा दिया जाए। तो आखिर में हमारे लोग जुम्मे में जाते हैं, नमाज में आखिर में जाते हैं, सबसे पहले रहमत जो है इमाम पर, फिर मौजूद पर, फिर सीधे हाथ उल्टे हाथ, फिर पीछे परस्ती रहती है, और जो फिर बाद में फिर आए तो उसको कैसे रहमत, लेकिन नमाज तो हो जाएगी, ये नहीं कि नमाज नहीं, उनको ये समझे कि हम बाद में जा रहे तो जुम्मे की नमाज ही नहीं होगी। बाद लोगों का ख्याल होता है कि भाई जुम्मे का खुतबा नहीं सुना तो नमाज ही नहीं हुई, भाई फर्ज अदा हो जाएंगे, खुतबा नहीं सुना ये आपकी गलती, वो यहाँ तक के मैं चलो बात आ गई है तो बात कर रहा हूँ, बात मिलाद की है मगर कुछ इस्लाही बातें भी हो जाएगा, कुछ अहवाले, कोई इस्लाह आमाल और कुछ इस्लाह आकाई जो है दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हमारे यहाँ बाज़ मरतबा लोग गुसल भी नहीं करते जुम्मे के दिन, अब वो नौकरियों पर जाते हैं, बात बड़े समझदार हैं, वो जुम्मे की नीयत से गुसल करके चले जाते हैं कि भाई जुम्मे का दिन है, चलो सुबह जा रहे हैं, जुम्मा पढ़ना होगा, जुम्मे की नीयत सुन्नत। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जल्दी जल्दी सहाबी आए और आकर खुतबा सुनने लगे, आपने खुतबा रोक दिया, तुम्हें पता नहीं है आपके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के बारे में ताकीद फरमाई है, उठो गांव जाकर गुस्ल करके आओ, गुस्ल की ताकीद है, सुन्नत मौकदा है, जुम्मतुल मुबारक के दिन गुस्ल करना जो है ये सुन्नत मौकदा, इस पर ताकीद आई है, तो जुम्मे के दिन गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, चलो कारोबार भी तो लेकिन अपने जुम्मे की तैयारी उसी तरह करनी चाहिए। तो बात मैं कर रहा था रहमत की, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल्लाहु यूती इन्नमा अना कासिमुन, रब देता है बांटता मैं हूँ, बांटने वाली जात मुस्तफा की है, तो याद रखो हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला सबसे पहले बरकत रहमत जिस तरह इमाम पर उतारता है उसी तरह की सबसे पहले दुनिया के अंदर अगर सबसे पहले खुदा की रहमत उतरती है तो वो मकीने उम्मत हजरा पे उतरती है, और फिर वहां से वो से कहीं दादाली आई मेरी पर बरसती है, कहीं मेरे गौसुल फरा पे जाती है, और कोई फाजा करीब नमाज पर जाती है, और कभी बाबा फरीद पर जाती है, इस तरह बढ़ते बढ़ते उम्मती को मिल जाती है, ये सारी रहमतें बढ़ती आ रही हैं, अल्लाह अकबर। और मेरे इमाम बरेली के ताजदार भी क्यों ना फरमाए, मेरे इमाम बरेली के ताजदार फरमाते हैं सच्ची बात सिखाते ये है, सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, हिंदी नींद चलाते ये है, रोती आंख हंसाते ये है, रब है मोती ये है आशिक रिश्ता उसका है, दिलाते ये है ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है, पिलाते ये है कफस से बनाते किसी रसाई जाते ये है आते ये है, इतना आतो इनाकल कौसर सारी कसरत पाते ये है, कह तो रजा से खुश हो खुश ने मुस्ता रजा को सुनाते ये सुभान अल्लाह अल्लाह नारे रिसाला या रसूल अल्लाह हक जार यार इन्ना आतोई नाकल को सर सारी कसरत पाते ये है, सारी भलाइयां इनको रब ने दे दी है, देता रब है दिलाते ये है, देने वाले जात तो रब की है, इन झगड़ों में मत पड़ो। आजकल लोग कहते हैं कि रब से मांगो, खुदा से मांगो, मुस्तफा से ना मांगो, इससे ना मांगो, उससे ना मांगो, दसवां पारा पढ़ो सूरह तौबा पढ़ो, रब फरमाता है मा अग्नहुम अल्लाह व रसूलू, अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उन्हें घनी कर दिया। कहते हैं झगड़े में पड़े हुए आए, आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये नहीं रब नहीं रब देता है, मुस्तफा नहीं देते, खुदा की कसम खुदा भी बगैर रजाए मुस्तफा के नहीं देते, हुजूर की रजा के बगैर नहीं देते, कुरान में फरमा दिया है अग्नहुम अल्लाह व रसूलू, अल्लाह और उसका रसूल अपने फजल से उन्हें
गनी कर दिया है, उन्हें गनी कर दिया है। और मेरे इमाम लोगों ने कहा ना, क्योंकि मुझे जफर भाई फरमा रहे थे कि आला हजरत और इश्के रसूल के हवाले से कुछ बातें हो जाए, तो मैं आला हजरत का इसलिए हवाला देते हुए कि मेरे इमाम बरेली ताजदार, आज लोग कहते हैं तुम बरेली बरेली, याद रखो हम हैं मुसलमान, हम हैं मुसलमान, मुसलमान हैं मुसलमान सारे, हमें अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है, हमारी पहचान मुसलमान है, मगर हालात और मामला बदलते चले जाए ना। फिर इसके बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जब ज़माने मुबारका के अंदर जब हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया और फिरके बनना शुरू हो गए, जब फिरके बने, अभी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हैं समझ जाएंगे, फिरके बनना शुरू हुए तो उस वक्त हमारा नाम सहाबा ने, आले बैत ने और सारे मुहद्दिसीन फुकहाए किराम ने फिर नाम रख लिया अहले सुन्नत व जमात। और ये हदीस से लफ्ज है अहले सुन्नत व जमात, क्यों? क्योंकि वहां पर अहले सुन्नत से निकलकर कुछ राजी पैदा हो गए, कुछ खारजी पैदा हो गए। खारजी वो थे कि जो हजरत अली को बुरा भला कहते थे, राजी वो थे कि जो हजरत अली को शियारे अली बन गए थे, हजरत अली के करीब हो गए थे, खारजी हजरत अली से दूर हो गए थे। फिर अब बचे ये हालात और मामला जब बिगड़ गए तो फिर उस वक्त जो है नाम रखा गया अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत से मुराद कौन, व जमात से मुराद कौन? अहले सुन्नत से मुराद रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलने वाले, जमात से मुराद सहाबा की जमात वाले। ये हो गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते चले गए, हालात खराब भी होते चले गए। अब मैं आपको एक मिसाल देकर बताता हूँ, ये पहचान करवाना कोई हमारी जो है ये सहाबा किराम, जब जंगे यमामा हुई ना हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने मुबारक के अंदर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए, दुनिया से तशरीफ ले गए, हालात बड़े ख़राब हो गए। एक तरफ थे वो लोग के जो ज़कात के मुनकिर, एक तरफ वो लोग थे कि जिन्होंने जो है वो लश्कर उसामा को रोकने की कोशिश की, एक वो लोग थे कि नबूवत का ऐलान कर दिया मुसलमा कज़्ज़ाब ने, मुसलमा का कादियानी जो आजकल चल रहा है उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। वहाँ पर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब जगह अपने लोगों को दिफा के लिए भेजा। अब यहाँ पे मुसलमा कज़्ज़ाब से जंग के लिए खालिद बिन वलीद को लश्कर देकर भेजा। अब जब लश्कर पहुँचा तो वहाँ पर जंग चल रही थी और दोनों तरफ नारे तकबीर की सदाएँ बुलंद हो रही थी, पढ़ो तफसीर तफासीर पढ़ो और तारीख का मुतालबा, तारीख निहाया तफसीर पढ़ो, इब्ने कसीर की तफसीर, उसके अंदर इन्होंने खुद लिखा है कि जो इब्ने कसाहिब इब्ने कसीर है और तारीख निहाया बिदाया निहाया के साहिब खुद है, वो लिखते हैं कि जब दोनों तरफ से नारा लगने लगा, नारा तकबीर नारा तकबीर, जब तलवारें चल रही थी नेजे चल रहे थे, अब सहाबा इकराम खालिद बिन वलीद के पास आ गए, अपने कमांडर के पास आ गए, चीफ आर्मी के पास आ गए और आकर कहने लगे कि वहां भी नारा तकबीर लग रहा है, जो नबूवत का ऐलान करने वाले हैं गुस्ताख और बेअदब अपने आप को अल्लाह उसके रसूल वाला बताते हैं, नारा तकबीर लग रहा है, यहाँ भी पहचान नहीं हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें नुकसान हो जाए, तो हमारी अलग पहचान होना चाहिए। खालिद बिन वलीद ने फरमाया वहां नारा तकबीर लग रहा है तो तुम नारा मोहम्मदा लगाना शुरू करो, नारा मोहम्मदा नारा मोहम्मदा, इसका माना क्या है, या मोहम्मद हमारी मदद कीजिए। मदद का भी नया सबूत आ गया और यहाँ पे पहचान भी, जब बातिल फिर के पैदा हो जाए तो अपने आप को हक समाज दिखाने के लिए, हक बताने के लिए, हक समझाने के लिए अपनी पहचान लगाते हैं। बरेल भी कोई मसलक नहीं है, बरेल भी कोई दीन नहीं है, बरेल भी कोई मजहब नहीं है, बरेल भी एक जो है निस्बत है और वो निस्बत बरेली के ताजदार से है, वो अहमद रजा से है, और निस्बत भी क्यों रखी है, उस बरेली के ताजदार ने तुम्हारे ईमानों को बचाया है। जब बरेली के अंदर हिंदुस्तान के अंदर ये बरेली के अंदर बरेली का ताजदार बैठ
उस वक्त अंग्रेज लोगों को खरीद रहे थे, मुसलमानों में फिरके पैदा कर रहे थे, एक तरफ कादियानी पैदा कर दिए, एक तरफ जो है वो गुस्ताख और बेद कहने लगे मोहम्मद क्या दे सकता है, मोहम्मद तो जो है एक मिश्रा नाम है, जैसा कि कोई सरदार गांव का सरदार हो, जैसा कि कोई बड़े भाई की तरह हो, इतना अदब करो, और इनको तो दीवार के पीछे का पता नहीं, अगर नहीं मालूम आओ मैं किताब दिखाता हूँ, सिराते मुस्तकीम पढ़ो, तकवियतुल ईमान पढ़ो, हिफ्जुल ईमान पढ़ो, आओ इनकी किताब हिफ्जुल ईमान जो है वो अशरफ अली थानवी की किताब पढ़ कर देखो, तकवियतुल ईमान इस्माइल तहलवी की किताब देखो, फतावर रशीदिया रशीद अहमद गंगोई पढ़ कर देखो इन्होंने क्या लिखा है, अल्लाह अकबर, यहाँ तक के लिखा कि मोहम्मद तो एक जो है जनाब डाकिये की तरह है, पैगाम लेकर आने वाला है, अल्लाह अकबर, अल्लामा इकबाल ने बात कही थी, क्योंकि अंग्रेज जानता था कि ये मोहम्मद के चाहने वाले अपने नबी के नाम पर जाने कुर्बान कर सकते हैं, इन्हें भूखा मारो प्यासा मारो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, मगर अपने नबी की गुस्ताखी नहीं करेंगे, बेअदबी नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, आपके मेरे बाप बाप ने, मेरे आबा उस्ताद ने हमें अदब सिखाया है, काबे की तरफ मुंह करके मत थूकना, काबे की तरफ मुंह करके पांव करके मत सोना, काबे की तरफ जो है कुटनी मत करना, कभी बरहेना काबे की तरफ मत होना, ये आदाब सिखाए हैं, मगर उस दौर में बेअदब बनाया जा रहा था, अंग्रेज मुसलमानों के लोगों ने सर से टोपियां पगड़ियां उतार दी और नंगे सर रहने को तरक्की का नाम दिया, खड़े होकर पानी पीने को तरक्की का नाम दिया, खड़े होकर पेशाब करने को तरक्की का नाम दिया, यहाँ पे कल्चर तब्दील कर दिया, दूसरी तरफ मौलवियों को खरीदा गया कि तुम मोहम्मद की गुस्ताखियां करो, बेअदबियां करो, वहां कादियानी ने ऐलान कर दिया, अहमद गुलाम अहमद कादियानी ने कि मैं नबी बनकर आया हूं माशाल्लाह, और किसी ने अपनी किताब में लिख दिया मोहम्मद नाम जिसका हो उसका कोई इख्तियार नहीं होता, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उस दौर के अंदर जो 100 साल में रब मुजद्दिद बनाकर भेजता है, मेरे रब ने बरेली के ताजदार को चुन लिया और दुनिया के अंदर मुजद्दिद बनाकर भेज दिया, इमाम बरेली का ताजदार अल्लामा इकबाल ने जो कहा था ना, ये पाक का कश मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, ये कभी भी अपनी जान दे देगा, भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, मगर जब नबी के नाम की बात आएगी सब कुछ कुर्बान कर देगा, बर्दाश्त ना करेगा। अंग्रेज ने जान लिया हमने बड़ी तब्दीली की है, अब मुसलमानों को बांट दो, इन्हें फिरकों में बांट दो, फिरकों में तकसीम कर दो, इनके नबी की तौहीन करवाओ, बेअदबियां कराओ। आज भी अंग्रेज वही कर रहा है जो उसने 100 साल पहले किया था, आज भी आपके नबी के खाके माशाल्लाह बनाए, ये समझते हैं हम खाके बनाकर जो है नबी की गुस्ताखी करेंगे, मेरे नबी की शान को खुद खुदा ने बढ़ा दी, वरफअना लका ज़िक्रका है, साया तुझ पर बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, के बनाकर बेअदबी कर सकता है उस दौर के अंदर। आओ मैं बताऊं मैं इमाम अहमद रजा का क्यों हवाला दे रहा हूं, इमाम अहमद रजा बरेली के ताजदार ने हमारे ईमानों को बचाया, किसी ने कहा मोहम्मद जो है वो एक आम आदमी की तरह होता है, एक बशर है, हमारी तुम्हारी तरह है, बस उनको रसूल बनाकर भेजा, वो असल बशर हुए हैं, है हमारी ही तरह, हमारी तरह खाते, हमारी तरह चलते, हमारी तरह पीते, लेकिन अफसोस तुमने ये ना देखा, चलते हुए जमीन पर तो देख लिया, जरा अर्श पर चलता हुआ भी देख लेते, अरे तुमने खाते हुए तो देख लिया, एक एक महीने बगैर खाए पिए भी देख लेते, तुमने जमीन पे पत्थर पे सर रख कर सोते हुए तो देख लिया, उंगली से चांद के दो टुकड़े होते भी देख लेते, अरे तुमने इस रसूल को अपने जैसा बशर के समझ लिया, इस तुम तो नमाज की भी पाबंदी ना कर सके, मेरा नबी तो वो है अली की नमाज असर कजा हो जाए, सूरज दोबारा वापस ले आ,
निशान तो ये है, मेरा इमाम फिर क्या कहता है, हे लोगों बातों में मत आना, तुम्हारे नबी की शान क्या है, सबसे आला हो आला, हमारा नबी सबसे बाला हो आला, हमारा नबी हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला, हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबे, हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा, हमारा नबी लोग कहते हैं कौन देता है, नबी नहीं दे सकता, रसूल नहीं दे सकता, क्यों मांगते हो, रब से मांगो, मेरा इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हम सबों को रजा मुस्तफीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, मेरे इमाम वो है कि जिसने तुम्हारा नबी से रिश्ता जोड़ा है, तुम्हारा रबी से रिश्ता जोड़ा है, और कहा कि कहने वालों को कहने दो कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हारे नबी से तुम्हारा ताल्लुक ये होना चाहिए, आका तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, आका तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, निल हम्द में दुनिया से मुसलमान है, इमाम ने तो वो सबक सिखाया है, इसलिए हम अपने आप को बरेली कहते हैं, बरेली कोई मसब नहीं है, बरेली कोई दीन नहीं है, बरेली के ताजदार ने मिलाद करना सिखाया है, मेरे इमाम बरेली के ताजदार, जब फतवा जारी हुआ ना अब्दुल वहाब नजदी नजद से जो फितने उठे, मैं आज तारीख के हवाले से आपको चंद बातें बता रहा हूँ, लोग ये कहते हैं ये आज की बात है, मिलाद अब मनाना शुरू हुए हैं, अरे 50 साल मेरी हो गई है उम्र में, 50 साल से मैं देखता आ रहा हूँ मिलाद मनाता चला रहा हूँ, 100 साल के बाद मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, 100 साल की उम्र के बाद मैं अपने वालिद को देखता रहा, और आज मैं अपने आप और मेरी औलादें देख रही है, 150 साल तो ये गुजर गए, तुम ये कहते हो मिलाद अब नहीं है, अरे मेरे इमाम ने पैगाम दिया, लोगों ने कहा मिलाद मनाना शिर्क है, तकबीयतुल ईमान पढ़िए, इस्माइल देहलवी जो बहुत मुतासिर हुआ अब्दुल वहाब नजदी से, नजद क्या है, अरब का एक दारुल खिलाफा है इस वक्त, हुजूर अलैहिस्सलाम बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शाम से कुछ लोग आए, या रसूलल्लाह शाम के लिए दुआ फरमा दे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक शामीना, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, यमन के लोग आए कहने लगे या रसूलल्लाह हमारे यमन के लिए दुआ फरमा दे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक यमीनना, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा दे, नजद से भी कुछ लोग आए हुए थे, कहने लगे बुखारी की हदीस है, बाबुल फितन उठाकर देख लो, ना मिले तो मेरे पास आ जाओ, लाइब्रेरी में से दिखा दूंगा आपको, मेरे भाई हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया, फिर कहा हमारे यब नजद के लिए दुआ, फिर चेहरा मुबारक फेर लिया, फिर सहाबा ने हुजूर अलैहि सलाम जलाल में आ गए, फरमाया मैं देख रहा हूँ नजद से शैतान के सींग निकल रहे हैं, कितने बर्पा हो रहे हैं, सींग से मुराद कितने बर्पा, कितने बर्पा, ये तुर्की 100 साल हुए हैं आज आवाज क्यों नहीं निकल रही अरब से, फ्रांस गुस्ताखियां कर रहा है, खाके बना रहा है, इस्लाम वाली कहां सो गए, कहते हैं कि हम सरबरा हैं, इसराइल को तस्लीम कर लिया सबसे पहले, कहां गए ये, आज नामूस रिसाला जो कहते हैं कि या दीन यहां से निकला, दीन वहां से निकला, तो दीन की हिफाजत भी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, नामूस रिसालत की हिफाजत की करना, एक आवाज अभी तक नहीं आई, अल्लाह अकबर, ये तो पाकिस्तान है, हुजूर फरमाते हैं बुखारी हदीस, फरमाया आवाज से फरमाया नफ्स से सीन शैतान के उगल रहे हैं, और हिंद की तरफ इशारा फरमा के फरमाते हैं मेरे उस शाख की खुशबू आ रही है, कहता है हिंद से मेरे उस शाख की खुशबू आ रही है, अल्लाह अकबर, ये हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं जितना अदब आप अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मेरे भाई ये हमारे माँ बाप ने सिखा, हिंदुस्तान में अंग्रेज ने यही तो काम किया है कि इनको तफरकों में डाल दो, वरना एक थे, एक थे, कुरान एक था, सबसे पहले तर्जुमा फारसी में हुआ है, सबसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा उठाकर पढ़ लो, जो तर्जुमा मेरे इमाम बरेली के ताजदार ने किया उर्दू में, वही फारसी में तर्जुमा शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने किया, ये बाद में गुस्ताखियां हुई हैं,
बाद में मुस्तफा कुरान पाक के अंदर तर्जुमों में तरमीमें की गई हैं, गलतियां की गई हैं। कहीं नबी को फरमान कह दिया गया कि बहक गया, भटक गया माशाल्लाह, कभी जो है अल्लाह के बारे में कि अल्लाह भी जो है वो इस्तेहज़ा फरमाता है, हंसता है, माशाल्लाह मजाक करता है, बड़ी बातें हैं। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, मुसलमानों दौर फितने का है, अपने ईमान बचा कर रखो। उस दौर में भी फिर मुतासिर किताब लिखी तौहीद पर, अब्दुल वहाब नजदी, वहां से किताब आई इस्माइल देहली ने उर्दू में तर्जुमा किया जिसका नाम तक़वियतुल ईमान है। उठाओ पढ़ो क्या लिखा, मिलाद मनाना बिदअत हराम नाजायज। लोगों ने लिखा मेरे इमाम बरेली के ताजदार का कलम चला और मेरा इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के इन गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फरमाया क्या मेरे इमाम ने, मैं तारीफ बात कर रहा हूँ, मैं झूठी कच्ची बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात करनी है मेरे आकर करें कुरान से। लोग नबी के मिलाद के हवाले से बात करते हैं, तुम तो अब मिलाद मना रहे हो, अब मिलाद हम मना रहे हैं, कहते सहाबा ने नहीं मनाए। मेरा हालात और मामलात होते हैं, उस दौर का कल्चर कुछ और था, इस दौर का कल्चर और कुछ और है। और आओ कुरान से कहते हो नबी का मिलाद मनाने की बात, क्या नबी का मिलाद मनाना। आज आप और हम कुरान पढ़ो, सूरतुस सफ पढ़ो, 28वां पारा पढ़ो, 6वीं आयत पढ़ो, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को जमा किया, जलसा मुनाकिद किया और लोगों को कहा मुबश्शिर बिरसूल याती मिन बादी इस्मु अहमद, ए लोगों मैं खुशखबरी देने वाला हूँ, मेरे बाद एक अजीम रसूल आने वाला है जिसका नाम दुनिया में मोहम्मद, आसमानों पे अहमद है। पढ़ो कुरान 28वां पारा उठाओ, सूरतुस सफ लेकर आओ, आयत नंबर 6 लेकर आओ, पढ़ो। आज उम्मती मिलाद मना रहे हैं, अरे न तुम्हारे नबी के आने से पहले और ईसा अलैहि सलाम के 600 साल के बाद आपके मेरे नबी दुनिया में जलवा कर हुए। ईसा अलैहि सलाम 600 साल पहले आने से पहले आपके नबी का मिलाद मना रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, कुरान उठाओ, कुरान पढ़ो, बात की हदीस की बात की बात में आएगी। अब मेरे इमाम ने जो कहा था ना हश्र सब डालेंगे हम पैदाइश माला की धूम, मिसले फारस नजद के किलाए गिराते जाएंगे, क्यों फरमाया। जब आपके मेरे नबी की विलादत हुई ना, ईरान जाओ, कैसर और किसरा के महल्लात इराक और ईरान, मैं फकीर गया हूँ। जब मेरे और आपके नबी की विलादत हुई, लोग आग की पुजारी ईरान में रहने वाले आग की पूजा करते थे, आतिश कदा चलता रहता था, अरसे फराज से कभी नहीं बुझा। आपका मेरा नबी जलवा गर हुआ, वो आतिश कदा बुझ गया, आतिश कदा बुझ गया। और महल्लात जो थे कैसरो किसरा के, उसमें दरारे पड़ गए, दरारे आ गए, सलसले आ गया, दरारे पड़ गई। खुदा की कसम मैं खुद गया हूँ ईरान इराक, वो महल भी देख के आया हूँ, जब आपका मेरा नबी पैदा हुआ ना दरारे पड़ गए थे, आज भी दरारे पड़ी है। तो मेरे इमाम ने ऐसे ही फरमाया मिसले फारस नजद के, वो नजद के अंदर जो इतने बड़े बड़े महल बने हुए हैं ना, कहते जैसे आपके मेरे नबी का मिलाद हुआ, मिलाद का माना है पैदाइश का दिन होना, योमे मिलाद पैदाइश का दिन मनाना। जब मेरे और मेरे नबी पैदा हुए कैसर और किसरा के महल्लात में दरारे पड़ गई, मिसले फारस नजद के, वहां पे पैदा होने पे दरारे पड़ी थी, हम जश्न मनाकर दरारे डाल देंगे, सलसले आ जाएंगे, सलसले कायम हो जाएंगे, उनके महल हिल जाएंगे और हिले हुए हैं। जिए मेरा तुर्की का सदर तैयब उर्दोगान, जिसने सारी दुनिया को हिला के रखा है, अल्लाह तुझे सलामत रखे तैयब उर्दोगान, कि तूने जो है आंखों में आंखें डालकर दुश्मन से बात की है। फराज़ अगर गुस्ताखी हुई सबसे पहले वहां
तस्वीर निकालने वाला मेरा और तैयब उर्दोगान है, और वहां से अपना फकीर बुलाने वाला और तैयब उर्दोगान है। तेरी खैरत को सलाम, तेरी इज्जत को सलाम। अल्लाह तुझे सलामत रखे और तुझे हरामैन तैयबैन की खिदमत का मौका अता हो। आमीन आमीन आमीन। तो ये है वो इंसान, मुसलमानों जीना है। मेरे इमाम ने तुम्हें जीने का तरीका बताया है, डर कर मत जियो, डरपोक मत बन के जियो। अल्लाह अकबर। जब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला हो, कभी ईरान फतह कर रहा है, कभी शाम पता कर रही है, यमन पता कर रहा है, फतह पे फतह होती जा रही है। किसी ने पूछा आखिर इनके पास कौन सी ताकत है, कौन सी ताकत है कि जो सारा मुल्क 22 लाख मुरब्बा जमीन पर मेरा उमर हुकूमत कर रहा है। आज की दुनिया पर अंग्रेज कहता है अगर 10 साल और उमर की हुकूमत हो जाती पूरी दुनिया में इस्लाम छा जाए। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में उमर की इस्लाम की हुकूमत होती, 10 साल के अंदर मेरे उमर फारूक ने 22 लाख मुरब्बा जमीन पर हुकूमत करके दिखाई है। किसी ने पूछा कि ऐसी कौन सी ताकत है, मेरे उमर जवाब देते हैं हमारे पास क्या ताकत है, अरे तुम्हारे पास शाहों ने, तुम्हारे लीडरों ने तुम्हें जीना सिखाया है, तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत सिखाई है। हमारे नबी ने हमें मरना सिखाया, रब की राह में जान देना सिखाई। और जो बंदा जान देना जानता है ना, फिर वो किसी की परवाह नहीं करता जो अपने इस्लाम और नबी के नाम पर बतला दो गुस्ताखे नबी को। गैरत मुस्लिम जिंदा है, नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और यही पैगाम मेरे इमाम बरेली के ताजदार ने दिया, ए मेरे नौजवानों, कहां तुम मोबाइलों के चक्कर में लगे हो, तुमने तो अभी इश्क़े रसूल का जाम ही नहीं पिया, मोहब्बत रसूल का जाम ही नहीं पिया। अगर तुम्हें मोहब्बत रसूल का जाम मिल जाए ना, खुदा की कसम हंसला की तरह शादी की रात हो और पैगाम नबी सुनकर मैदान में दौड़ पड़े और मैदान अहद में शहीद हो जाए। मेरा नबी निगाह उठाकर देख कर फरमाता है हंसला को फरिश्ते हुस्न दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नौजवानों, तुमने तो मोहब्बत रसूल का जसई, तुम्हारा नबी बड़ी शान वाला है, बड़ी इज्जत वाला है, खुदा ने तुम्हारे नबी को बड़ी अजमतें दी है, तुम्हारा नबी वो शान वाला, सारे नबी आए। अल्लामा महमूद साहब फरमा रहे थे कलीम और हबीब, अरे कलीम वो होता है जो रब से कलाम करने कोहे तूर पर जाता है, किताब लेने कोहे तूर पर जाता है, और हबीब वो होता है जहां जहां हबीब जाता कुरान वही आ जाता। अल्लाह अल्लाह।